यहाँ से निकाल कर रहूंगा मैं, अभी मत मारना, कुछ नहीं होने दूंगा आपको मैं, ये वादा है मेरा। डॉक्टर साहब, परेशान मत होइए ना, देखिए वो उन्हें ढूंढ लेंगे आप भाभी साहब को। मैं फिर से हार गया विक्रम, रानी फिर से खो गई। चल ससुरा, चल, बहुत ही गुंडा छा रही थी। हाँ बिरजू, ये कौन है? अरे पूरा झुंड था विक्रम बाबू, सब निकल लिए, लेकिन ई हमरे हाथ लग गया, और इस झुंड में से एक है डॉक्टर। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब इंसान अपनी किसी कीमती चीज को खो देता है ना, किसी चीज का डरने लगता उसको, उसके बाद न मरने का न मारने का। अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो बताओ रानी का है, बताओ। अरे बता दो भैया, काहे मौत से मजे ले रहे हो? तुम लोग मुझे मार नहीं सकते और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। अरे पर थानेदार तो मार सकता है ना, हाँ, वो भी फर्जी एनकाउंटर में। दोबारा कह रहा हूं, सोच लो, जान प्यारी है या अपनी वफादारी? बोल कहाँ है रानी, बोल। बताता हूँ वो लोग गोवा। गोवा? क्यों, बोल क्यों ले गए उन्हें वहां पे? मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता सर, बस इतना पता है कि गोवा लिखे गए, अब मैंने सच बोल दिया है, मुझे छोड़ दो साहब। गोवा में कहा? अरे गोवा में कहा? याद नहीं आ रहा है क्या नाम था। ये ऐसे नहीं मानेगा, ससुरा मार खा के ही मानेगा। बोल बोल, अरे बड़बड़ काहे कर रहा है, बोल ससुरा, बोल कहा है रानी, बोल वरना हम छोड़ेंगे नहीं, कहाँ है हमारी दोस्त? रानी का पता चल गया बिरजू, वो लोग नहीं आ ले गए। मैं आपके पास जल्दी आ रहा हूँ रानी, मैं जल्द से जल्द निकलना होगा। चलिए। नहीं डॉक्टर, हम नहीं जाएंगे। What? हम इन लोगों पर भरोसा नहीं करते, कल कोई खबर झूठी निकली तो ये बकरा जो हमारे कब्जे में कुछ झटके में। आप लोग जाइए और जो कुछ जो खबर मिले हमें बताइएगा। ओके ब्रो, इसका क्या करना है? अगर रानी हमें नहीं मिली या उन्हें कुछ हो गया तो जो खेल तुमने शुरू किया है ना, उसे तुम्हारी जिंदगी के साथ खत्म करूंगा मैं। इस बात को कान खोल कर सुन लेना, हमारी बात समझने की कोशिश करो, हमें क्यों? चलो इन्हें। लेकिन अरे बाकी की माफी ना गाड़ी में मांग लेना। चल डॉक्टर, तुम रानी के पति हो लेकिन हम भी बचपन से दोस्त ही निभाए हैं। रानी की जितनी फिक्र तुमको है उतनी हमें भी है, उनको बचाने के लिए जो कुछ हो करना पड़े करना, लेकिन रानी को सही सलामत वापस घर लेकर के आना। इससे पहले ये खेल बहुतों की जिंदगियां निकल जाए, इसे खत्म करवा दो माता रानी, डॉक्टर और रानी का मिलन करवा दो। विक्रम, तुम तो हमारी बात समझो, हमारा वहाँ क्या काम? अरे गोवा छुट्टी मनाने लेके जा रहे हैं, समझे? रानी की लोकेशन है ना तुम्हारे पास, तो फिर प्लीज हमें जाने दो। भाभी साहब नहीं मिली ना तो तुम्हें इतनी लंबी छुट्टी पे भेजूंगा कि हमेशा याद रखोगे, समझा ना? चल विक्रम, ऑल सेट? या ब्रो, मैंने विजय से बात कर ली है, वो वहाँ के एरिया इंस्पेक्टर से बात कर रहा है। ग्रेट, चलिए
हाँ चलो। वीर तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो? अरे हम लोग गोवा जा रहे हैं, भाभी साहब को गुंडे गोवा लेके चले गए हैं। एक सेकंड, रानी गोवा में है, मैं भी साथ में चल रही हूँ। कियारा ये कोई वीकेंड हॉलिडे नहीं है, ठीक है? ओ जस्ट शट अप विक्रम, मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं साथ में आ रही हूँ, दैट्स इट। कियारा प्लीज, इस समय इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। रानी की जान खतरे में और आपकी जान भी खतरे में नहीं डाल सकता मैं। सुन लिया, अब जाओ चलो। मैं नंदिनी नहीं हूँ जो तुम दोनों भाई मुझे ऑर्डर दे रहे हो। वीर तुम्हारी भी तो जान खतरे में है और मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। आई डू केयर फॉर यू। या तो हम बहस करके और टाइम वेस्ट करें या तो तुम लोग मुझे साथ में लेके चलो। फाइन सिट। रो आप ये विक्रम प्लीज, इस समय मेरे पास वक्त भी नहीं है और ऑप्शन भी नहीं। जल्दी बैठो कियारा। विक्रम बैठिए जल्दी। हेलो। यस। 1 double and 1 twin रूम प्लीज। योर नेम सर? वीर सिंह रजावत। कैन यू प्रोवाइड मी योर आईडी कार्ड? या। ओके सर। किडनैपर और पैसे चाहता था, फिर अब तक उसका फोन क्यों नहीं आया? आई जस्ट होप रानी सेफ है और यहीं कहीं है। सर योर आईडी एंड की। थैंक यू। वेलकम। ये वो किडनैपर्स हैं। Are you sure? इसके हाथ का कड़ा, जो गुंडे हमें जयपुर में मिले थे वो भी सेम कड़े पहने थे। इसी कम शायद अंदर ही है, मुझे जाकर चेक करना होगा विक्रम। बट ब्रो अगर भाभी से अंदर ना हुई तो? मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले नॉर्मल टूरिस्ट की तरह बिहेव करना चाहिए, फिर मौका देख के कदम आगे बढ़ाना चाहिए, वरना कहीं रानी सॉरी हमारे पास वक्त नहीं विक्रम, मैं अंदर जा रहा हूँ जस्ट इन केस। कहाँ है रानी? छोड़ो हमें, जाने दो हमें। अब तुम्हारी जुबान से एक और धमकी, तुम्हारी बीवी गई समझे,
तुमने जितने पैसे मांगे थे मैंने दिए, और क्या चाहिए तुम्हें? क्यों ले आया रानी को यहाँ पर? पैसे की फितरत है कुंवर साहब, कभी पूरा नहीं पड़ता। और पैसा कमाने में वो मजा नहीं जितना उसे जीतने में है। तुम्हें जो कीमत चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। कहा रानी? यही सोचा था मैंने कि मैं कीमत बोलूंगा तुम चुका दोगे और शांति से मैटर खत्म, सब खुश। लेकिन पुलिस बुलाकर जो तुमने मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई है ना, अब उसकी भरपाई इस खेल से होगी। ताश की बाजी में मुझे हराओ और अपनी बीवी लेकर जाओ, जीत गए तो बीवी तुम्हारी और अगर हार गए तो राम को प्यारी। माथे पर पसीना देखकर लगता है खेलना आता नहीं है तुम्हें, हा? लेकिन हमें आता है। हाँ कर दो वीर। तुम तो पैदाइशी जुआरी हो जैसे। आदमी घटिया है पर बात सच कह रहा है वीर, हम तुम्हारा साथ देंगे कसम से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जिसकी वजह से हम ये सब मुसीबत में हैं, उसी की हेल्प लेंगे? हम अपनी ही मदद कर रहे हैं, रानी को यहाँ से जिंदा निकालना जरूरी है, वरना वीर ने हमें मारने का मन तो बना ही रखा है। देखो रानी तुम्हें मिल गई तो तुम हमें यहाँ से जाने दोगे ना? तो बस यही मौका है, हम दोनों जीत सकते हैं, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। रूप ना चाहते हुए भी यही हमारी आखिरी उम्मीद है। कुंवर छोटा है पर बात बड़ी कर गया, क्या कीजिएगा कुंवर साहब? बीवी को बचाने के लिए या तो जानी दुश्मन से हाथ मिला लो या अपनी किस्मत आजमा लो। क्या हुआ? अब रुके क्यों, शुरू करो ना। रुको जरा, जिसकी जिंदगी बचाने के लिए खेल खेल रहे हैं उन्हें तो बुला लो, तभी तो कुंवर साहब बिना होशियारी के हिसाब में रहेंगे। ले आओ उसे।
एक ठो पल के लिए भी हिम्मत नहीं हारे हम। जानते थे आप जरूर आएंगे। आपके पास पहुंच तो गया मैं रानी, लेकिन अब तक पूरी तरह आजाद नहीं कर पाया आपको। अब आप हमारे पास है ना, हमें कोनो डर नहीं। डरना जरूरी है मैडम, क्योंकि दिल वाले तब तक दुल्हनिया नहीं ले जा पाएंगे जब तक वो ये खेल नहीं जीतेंगे। देखिए, इनकी हालत कमजोर है, ये ऐसे खड़े नहीं रह सकती। इन्हें बैठने दीजिए, मैं खड़े होकर खेल लूंगा। अरे इतने निर्दयी थोड़ी है हम कुंवर साहब, आज के इस खेल के लिए खास इंतजाम किए हैं। और हाँ, पिछली बार जो पुलिस बुलाकर गलती की थी, अगर इस बार दोबारा किया तो तेरी बीबी की मौत पक्का। आओ बैठ जाओ। ए जाले करा। ये हुई ना बात, ये है हमारा स्पेशल इलेक्ट्रिक शॉक चेयर आपकी नाजुक सी बीवी के लिए। सब चीजों का क्या मतलब है विक्रम? बात बिगड़ जाएगी ब्रो, प्लीज रिलैक्स। चुनौती बहुत लगती है तुम्हें, खेल शुरू भी नहीं हुआ और अभी से चीखना चिल्लाना शुरू। छोटे भाई की बात मानो कुमार साहब, एंड जस्ट रिलैक्स, क्योंकि अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ ना, तो इस चेयर पर जो वायर देख रहे हो, इनसे ऐसा जोर का झटका लगेगा कि तुम्हारी बीबी तड़प तड़प के मर जाएगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? शांत है ब्रो। अगर रहेंगे तो अच्छा है, नहीं तो तेरे भाई की होशियारी की कीमत रानी को चुकानी पड़ेगी। चल बैठ। अरे बोला ना बैठ। खेल में नए हो इसीलिए नियम समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वैसे सुना तो मैंने भी है कि तुम्हारी बीवी जमा घाटा करने में बहुत तेज है। चलो, उम्मीद है कि तुमने भी इससे कुछ सीखा होगा। मौत के इस खेल में अगर कोई चीज तुम्हारी बीवी को बचा सकती है तो वो है नंबर 21। यही है आज की गेम का नाम, 21। तीन तीन पत्ते बांटेंगे, एक से दस का पत्ता आया तो जो नंबर होगा उसकी कीमत उतनी ही होगी। जैसे दो की कीमत दो, चार की चार और दस की दस। जिसके भी पत्तों को जोड़कर 21 या उसके सबसे आसपास का नंबर आएगा वो बाजी जीत जाएगा। 21 से ज्यादा बना तो हार होगी, और हार होगी तो इस बादशाह की बेगम के सर पे झटके वाली तार होगी। अगर 21 में हारे तो अपनी बीवी के 13वीं की तैयारी शुरू कर देना। समझ गए? एक ही गेम होगा और उसी में जीत और हार का फैसला होगा।